नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई जो लोग खास तौर से गल्फ देशों से आते हैं, जैसे इंडिया में कहीं पर भी, और बहुत सारे ऐसे देखने को मिलता है कि जैसे बंगाल का, कलकत्ता या दूर दराज के लोग दिल्ली उतरते हैं बड़े महानगरों में, बॉम्बे में, या फिर उल्टा सिस्टम होता है, लोग अलग उतर के उनको 500-700 किलोमीटर का सफ़र करके घर पहुंचना होता है, और ये क्राइसिस का एरिया है। बहुत सारे लोगों को अपने स्टेट में फ़्लाइटें नहीं मिलती या फ़्लाइटें बंद हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो एक अभी एक केस ऐसा आया है, बता दूं, एक गैंग जिसको बोल सकते हैं, खाड़ी देशों से आने वाले लोगों को लूटने का तरीका। जी हाँ, आप लोग जैसे ही मान लो दुबई से, कतर से, सऊदी कहीं से भी आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें, ये मेट्रो यहीं का, एयरपोर्ट से आप निकल गए, बाहर आ गए, आपको जाना है कहाँ, ट्रेन पकड़ोगे, आप ट्रेन पकड़ के आप अपने जो भी आपका जो जगह है वहाँ पे आप जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आपको लपके मिलते हैं। लपके समझते हैं ना, जो एजेंट टाइप बोल दो, टिकट बनवा लो, हम आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। जी हाँ, मोहम्मद वसीर 2018 में सऊदी अरबिया गया था, वो बंदा 9 जुलाई को दिल्ली पहुंचा अपने, और वहाँ से उसको एक एजेंट मिलता है, वो बोलता है कि आपको ट्रेन टिकट बनवानी है, तो बंदा बोलता ही है कि हाँ जी मुझे टिकट बनवानी है, तो बोलता है कि ठीक है आप कोविड रिपोर्ट दिखाओ अपनी, कोविड रिपोर्ट उसके पास वो थी जो दुबई से लेके आया, बोला नहीं नहीं ये तो मान्य नहीं है, आपको ट्रेन में सफ़र करने के लिए दूसरा कोविड टेस्ट आपको करवाना होगा। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, मजदूर आदमी होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है जी हम दूसरा करवा लेंगे। तो वो बंदा क्या किया, उसको लेके पहाड़गंज लेके चला गया, पहाड़गंज दिल्ली में एरिया है, वहाँ पे कोई दफ्तर था, वहाँ पे लेके चला गया, वहाँ पे उसका मेडिकल करवा दिया, मेडिकल कौन सा, कोरोना टेस्ट कर, बोल दिया सुबह 11:30 आप आके अपनी रिपोर्ट लेके चली जाना, और वहीं पे उसको होटल का रूम दिलवा दिया पड़ोस में, और कमरा दिलवा दिया। तो बंदा सोचा यार बड़ा अच्छा आदमी यार, अपनी तो हेल्प कर रहा है, उनको बोल दिया कि रिपोर्ट टेस्ट करवा देंगे, टिकट बना देंगे, आपको रात को ठहरने की व्यवस्था करवा देंगे, सुबह आपकी ट्रेन है 12:30 की, तो आप चले जाना। सुबह बंदा जैसे ही पहुंचा वहां पे 11:30 अपनी कोरोना की रिपोर्ट लेने के लिए, तो 5-6 लोग वहां पे बैठे थे पहले से, तो रिपोर्ट उनको देने से पहले बोला कि लाओ आप 190 रियाल, उसने सऊदी की करेंसी मांग ली कि इसकी कोरोना की रिपोर्ट के पैसे लगेंगे 890 रियाल सऊदी रियाल के। जी हाँ, अब आप समझ सकते 18-19 हज़ार रुपए हो गए भाई। तो आपको पता है यार इतनी मेहनत का पैसा कौन देगा, तो बंदे ने मना कर दिया भाई किस बात के पैसे ले रहे हो, इतना पैसा तो है ही नहीं। तो आपको पता है फिर उसके साथ जबरदस्ती मारपीट की, उसको उसके उससे उसके पास से पैसे निकाल लिए, लगभग 3,500 रियाल थे, 18,000 इंडियन करेंसी थी, उसका सामान, उसका पासपोर्ट, सब कुछ रख लिया, मारपीट के ट्रेन आने से 10 मिनट पहले उसको वहाँ पर रेलवे स्टेशन 2 बंदे लेके गए, ट्रेन में बिठा दिया। जी हाँ, ये एक बाकायदा जो दिल्ली पुलिस में जो डिप्टी हैं उनका खुद का बयान है कि ऐसा एक गैंग है, वो ऐसा करते हैं, इस तरह से वो लोगों को झांसे में लेके जाते हैं, फिर मारपीट करके निकाल के ट्रेन को, जैसे 10 मिनट का समय है उसी टाइम वो लोग उसको ट्रेन में लेके जाते हैं ताकि इसको ट्रेन में बिठा दें, ट्रेन निकल गई तो बंदे वहाँ पे कोई शिकायत या उनके खिलाफ में बोल नहीं सकता और वो चला जाएगा। लेकिन भाई पुलिस को पहले से इनकी ऐसी घटनाओं का पता था, तो उस बंदे का पुलिस से संपर्क हो गया, बंदा उतर गया ट्रेन से, फिर उनकी पूरी उसने बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, वहाँ पे ऐसे हुआ, तो पुलिस उसको साथ लेके गई, छापा मारा, उन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, और पकड़ के उनका सामान है वो भी जब्त कर लिया गया। तो कहने का मतलब है कि आप लोग अगर दिल्ली में, बॉम्बे में, कहीं पर भी उतरते हैं और आपको उतरते लपके मिलते हैं कि आपकी मैं हेल्प कर दूं, मैं सामान रखवा दूं होटल में, या फिर आपको क्या टिकट बनवा दूं, ऐसी कुछ आपको ऑफर देते हैं, तो उन लोगों से सावधान रहने की आपको सख्त ज़रूरत है, वरना जो मोहम्मद बशीर के साथ हुआ वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।